देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष है। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी जिंदगी का एकमात्र डरावना किस्सा है। ये कहानी तब की है जब मैं ऑफिस से लेट घर आता था और आते आते मुझे काफ़ी देर हो जाती थी। लेकिन मैंने एक तो इतनी ज़्यादा लेट कर दी कि मुझे उसके अंजाम में कुछ ऐसी चीज़ों को भुगतना पड़ा जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक तस्वीर बनकर मेरे दिल में बस गई। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ। दोस्तों, उस दिन जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि रात के 11:15 बजने को आए थे। आज से पहले मैंने कभी भी इतना लेट नहीं किया था और ऊपर से ठंड का ये माहौल जिसके अंदर 11:15 बजने के बाद पूरे तरीके से अंधेरा छा जाता है और लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। मेरा ड्राइवर बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। ऑफिस से बाहर निकलकर मैंने वहाँ के गार्ड को कहा, जल्दी से ऑफिस को बंद करके तुम भी घर चले जाना और हाँ, रात को यहाँ आजू बाजू में कोई भटकना नहीं चाहिए। फिर इतना कहने के बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला और जब मैं अपने ड्राइवर के पास गया तो मेरा ड्राइवर मुझे देखते ही बोला, साहब जी आज तो आपने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया है, आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा, आज कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई है, खैर कोई बात नहीं, अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए। मैंने अपने ड्राइवर से बस इतना कहा ही था कि तभी मेरे ड्राइवर ने कहा, लेकिन साहब जी आप नहीं जानते रास्ता कैसा है। तभी इस पर मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो यार, रास्ता कैसा है, जिस तरह से हम रोज आते हैं वैसा ही है रास्ता। खैर इतना कहने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे अरुण ने कहा, नहीं नहीं साहब जी, आप नहीं जानते कि हमारे इस रास्ते में कुछ ऐसी गतिविधियाँ रहती हैं जिस पर हर कोई विश्वास नहीं करता। कार के अंदर बैठे अरुण का चेहरा देखकर मुझे ये साफ साफ पता चल पा रहा था कि वो किसी भूत प्रेत जैसी गतिविधियों के बारे में बातें कर रहा है। इसलिए मैंने अरुण से कहा, देखो अरुण, ऐसा कुछ नहीं होता और मुझे ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन 4 साल बीतने को आए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसी चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देखा और ना इन चीज़ों पर विश्वास किया है। इन सब चीज़ों पर वही विश्वास करता है जो कि इन चीज़ों के प्रति समर्पित होता है, यानी कि जो इन चीज़ों को मानता हो। इतना कहने के बाद मैंने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, आप तुम एक काम करो, हमारी गाड़ी को जल्दी से उस तरफ मोड़ लो जिस तरफ हमें निकलना है। दोस्तों, इतना कहने के बाद अरुण ने तुरंत ही गाड़ी की दिशा मोड़ दी और उसके बाद ही हम वहाँ से निकलने लगे। इसी बीच फिर एक बार मेरे ड्राइवर अरुण ने कहा, साहब जी आप एक काम करना, आप गाड़ी की विंडो को मत खोलना, वैसे भी काफ़ी ठंड है, अगर आपने गाड़ी की विंडो खोल ली तो फिर हमारे शरीर के अंदर कपकपी छूट जाएगी। मैं इतना तो जान गया था कि अरुण मुझे ये सब इसलिए बोल रहा है ताकि वो किसी भूत प्रेत से डर ना सके। लेकिन इस बार मैंने कहा, देखो मुझे खिड़की खोलने की आदत है और मैं खिड़की खोल कर ही जाऊँगा, तुम्हें तो पता ही है चाहे कितनी भी ठंड हो मुझे बाहर की हवा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अरुण अब जिद करने लगा था, यहाँ तक कि वो मुझे कसम तक देने लगा, जिससे मैंने कहा, अरे यार चलो ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही ठंड लग रही है तो मैं एक खिड़की को ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद अरुण की भी नहीं चली और उसे तुरंत ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकलना पड़ा। अब हम दोनों को ही तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि मुझे भी अपनी बीवी का डर सता रहा था। और उसके बाद हमारी गाड़ी तेज़ रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ने लगी। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, एक विंडो के अंदर से ठंड लगातार अंदर की तरफ आ रही थी जिस वजह से शरीर के अंदर अब कपकपी छूटने लगी थी। एक पल के लिए तो लगा कि खिड़की को मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल सोचा कि चलो आज भूत प्रेत से दर्शन भी कर लेता हूँ, अगर अरुण की बात में असलियत छुपी हुई है तो वो मुझे ये साबित कर देगी कि हमारी इस दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में किसी मजाक के तौर पर सोच रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वास्तविकता कुछ और ही होती है। फिर हमारी गाड़ी अब कुछ दूर आ ही गई थी कि मुझे लंबे लंबे खंभों के ऊपर कोई आदमी चलता हुआ नजर आया और उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तुरंत ही अपने ड्राइवर से कहा, अबे अरुण ये कौन सी बला है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी अरुण ने कहा, अरे साहब जी मैंने आपको पहले कहा था कि खिड़की बंद कर लेना, जब तक आप खिड़की को बंद नहीं करोगे तब तक हमारी गाड़ी के अंदर ऐसी हलचल होती रहेगी और हमें ऐसी चीज़ें दिखती रहेंगी, और अब तो आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, ये पहली बार था जब मुझे किसी भूत प्रेत पर विश्वास होने लगा था। हालांकि अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ज़रूर मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है, वरना इस तरह लंबे लंबे खंभों के ट्रांसपोर्ट के ऊपर इस तरह से चल पाना किसी इंसान के लिए कैसे मुमकिन होता है। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैंने उन सभी लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखा था, हालांकि उनकी आंखें भी एकदम चमक रही थी।
इसी बीच मेरी गाड़ी के कांच के ऊपर किसी ने जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। अब मेरी गाड़ी के अंदर होने वाली इन सभी पैरानॉर्मल घटनाओं ने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था, जिस वजह से मेरे शरीर के अंदर मुझे कंपन महसूस होने लगा था। तभी मैंने अपने ड्राइवर से कहा, अरुण अब मैं क्या करूँ, हमें क्या करना चाहिए? और मेरी इस बात को सुनकर मेरे ड्राइवर अरुण ने कह दिया कि साहब जी आप चिंता मत कीजिए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इस वक्त अरुण की काफ़ी सारी बातें मेरे दिमाग में चक्कर काट रही थी। अरुण ने जिस तरह से मुझे बताया था कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस भगवान के ऊपर छोड़ देना है, तो मैंने अपने मन के अंदर भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया था। अब जो भी होने वाला था मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। फिर कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी किसी ऐसी चीज़ से टकरा गई जिससे हमारी गाड़ी के अंदर एक बहुत जोर का धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोर का था कि एक सेकंड के खाते मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इसी बीच मैंने जोर से चिल्लाते अपने ड्राइवर अरुण से कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा संभल कर गाड़ी चला लो। मैंने इतना कहा ही था कि तभी अरुण ने कहा, साहब इसमें मेरी क्या गलती है, जब सामने खुद पर खुद एक महिला आ गई। उसके इतना कहते ही मैं तो पूरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसने अभी अभी सड़क के ऊपर किसी महिला को टक्कर मार दी थी। मैंने अरुण से कहा कि जल्दी से गाड़ी को रोक लो, लेकिन अरुण ने मना कर दिया और गाड़ी रोकने के बजाय उसने गाड़ी की स्पीड को अब और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इस वक्त हमारी गाड़ी करीबन 95 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े जा रही थी। मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि कहीं अरुण गाड़ी को ठोक ना दे, क्योंकि डर के मारे इंसान बिलखने लगता है और फिर उसके बाद वो अपने होश खो बैठता है। और मुझे भी इसी चीज़ का डर सता रहा था कि कहीं अरुण गाड़ी को किसी गलत जगह पर ना ठोक दे। अभी गाड़ी आगे गई ही थी कि अचानक गाड़ी के अंदर कुछ खराबी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, और फिर उसके बाद अचानक ही हमारी गाड़ी एकदम से थम गई। गाड़ी के रुकते ही मैंने अपना माथा पकड़ लिया और अरुण से कहा, भाई मैंने तुझे पहले कहा था कि गाड़ी को आराम से चला ले, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी, अब हमें इस चीज़ का भुगतान करना होगा। मैं तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन अरुण ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उसने बताया कि अगर मैं नीचे उतरा तो फिर यहाँ की काली शक्तियाँ हमें धर दबोच लेंगी। इस बात को सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा सहम गया था, लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना था। एक तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और ऊपर से अब मेरा ड्राइवर मुझे गाड़ी से नीचे उतरने के खातिर भी मना कर रहा था, लेकिन उस समय मैंने अपने ड्राइवर की एक भी बात नहीं मानी और तुरंत ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी से नीचे उतरते ही मैंने देखा कि मुझे किसी चीज़ के रेंगने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने कपड़ों के साथ सड़क पर घसीट रहा है, इसलिए मैंने अपने आजू बाजू में देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। एक पल के खातिर मुझे हल्का सा ठीक महसूस हुआ और उसके बाद मैं बोनट के पास गया। बोनट के पास पहुँचने के बाद मैंने अपनी गाड़ी का बोनट खोला, और जैसे ही मैंने बोनट खोला तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बोनट के अंदर कचरा भरा पड़ा था और साथ ही किसी के कपड़े उसके अंदर पड़े हुए नजर आ रहे थे। सच कहूँ तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि गाड़ी के बोनट के अंदर किसी के खराब कपड़े आ जाएं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सब मेरे ड्राइवर अरुण ने किया है, उसने नशे नशे में ये करतूत कर दी। मैं जल्दी से गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पास गया, और उसके बाद मैं जैसे गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पास गया तो मैंने देखा कि अब अरुण अपनी आंखें बंद करके सीट के ऊपर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अब उसे नींद आ गई है। फिर मैंने जैसे अरुण की गर्दन पर अपना हाथ लगाया तो उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी। दरअसल ये वही नज़ारा था जो मैंने उस बड़े ट्रांसफार्मर के ऊपर देखा था। अब अरुण की आंखें भी बिल्कुल उसी तरह से चमक रही थी जिस तरह से ट्रांसफार्मर के ऊपर चल रहे उन लोगों की चमक रही थी। और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे साहब जी मैंने गाड़ी के बोनट को ठीक कर दिया है, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। इतना सुनते ही जब मैं फटाक से पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि ये तो मेरा ड्राइवर अरुण ही था। फिर गाड़ी के अंदर बैठा वो शख्स कौन था? जैसे मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब गाड़ी की सीट के ऊपर पसरा हुआ सन्नाटा था। मैं समझ गया था कि साला आज तो मैं बुरा फंस गया हूँ और आज मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन है। तभी मैंने अपने पीछे खड़े अपने ड्राइवर अरुण से कहा, भाई तू अभी तो तू ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हुआ था, फिर यहाँ पर कैसे पहुँच गया? इतना कहते ही मेरे ड्राइवर अरुण ने कहा, अरे साहब जी मैं तो कब का आपके साथ गाड़ी के बोनट को ठीक करने में लगा हुआ था। हाँ एक बार मैंने मना जरूर किया था कि मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा, लेकिन उसके बाद मैं तुरंत ही आपके पीछे पीछे गाड़ी से नीचे उतर गया था।
लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या फिर यहाँ की काली शक्तियों ने आपको छलने की पूरी कोशिश की है। गलतफहमी तो नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे इतना तो पक्का हो चुका था कि यहाँ की काली शक्तियाँ अब हमारे चारों तरफ से हमारे ऊपर कहर बनकर मंडरा रही हैं। उसके बाद मैंने अरुण से कहा, तुझे पूरी तरह से मालूम है कि तूने गाड़ी को ठीक कर दिया है? तो अरुण ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे हाँ हाँ साहब जी, गाड़ी के अंदर का एक वायर हटा हुआ था जिसको मैंने ठीक कर दिया है, और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब मुझे अरुण की बात भी ठीक लग रही थी, तभी मैंने उससे चलने को कहा। तभी अरुण ने गाड़ी को स्टार्ट किया और पहली बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे ही मैं पीछे की तरफ बैठने लगा तो मैंने देखा कि अरुण बिना मुझे बैठाए ही गाड़ी को वहाँ से आगे ले गया और मैं उसे पीछे से आवाज़ देने लगा। ये सब इतना अजीब था कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुझे हैरानी हो रही थी कि अरुण मुझे बिना बताए ही गाड़ी को यहाँ से कैसे लेकर निकल गया। अब गाड़ी की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ ही देर में गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई। अब मैं अकेले सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर डर और खौफ के मारे भटकने लगा था। तभी मुझे किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मेरे पूरे शरीर के अंदर बिजली सी दौड़ गई। उस वक्त मैं समझ गया था कि अरुण के साथ कुछ गलत हो चुका है, क्योंकि इस आवाज़ को सुनकर ये चीज़ तो साफ मालूम पड़ रही थी कि ये किसी गाड़ी के टकराने की आवाज़ है, और अरुण ने यहाँ से गाड़ी को बहुत ही तेज़ रफ्तार में भगाया था, यानी कि अरुण का अब एक्सीडेंट हो चुका था। मैं जल्दी से भागा और अरुण को संभालने की खातिर उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी मुझे नज़र आया कि मेरी गाड़ी उस बीच सड़क के ऊपर आग से लिपटी हुई थी। गाड़ी के अंदर आग लगता हुआ देखकर कहीं ना कहीं मैं इतना तो समझ चुका था कि अरुण अब बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया है, या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। मैं जल्दी से भागा और अपनी गाड़ी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी को कुछ औरतों के एक झुंड ने चारों तरफ से घेर रखा था। अपनी गाड़ी को औरतों के झुंड से घिरा हुआ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और औरतों के झुंड के एकदम बीचों बीच पहुँच गया। उसके बाद मैं जैसे उन औरतों के झुंड के एकदम बीच में पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझे अपना ड्राइवर उस सड़क के बीच में पड़ा हुआ नजर आ रहा था, जिसकी छाती फटी हुई थी और उसके अंदर से खून निकल रहा था। वो महिलाएं उसके बगल में बैठकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। उनके रोने और चीखने की आवाज़ मेरे कानों को फाड़ने पर तुली हुई थी। मेरे ड्राइवर की हालत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हालांकि उसकी मौत तो हो ही गई थी, लेकिन वो दिखने में भी अब इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि मेरी आँखें उसे ठीक से देख तक नहीं पा रही थी। इसी बीच कोई घसीटता हुआ उस गाड़ी की तरफ से आने लगा। कुछ देर के लिए मेरी दोनों आँखें अब बंद हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी एक आँख खोलकर उस घसीटते उस शख्स को देखा तो मैंने पाया कि ये तो मेरा ड्राइवर अरुण ही था। फिर मेरे सामने पड़ा वो शख्स कौन था जिसकी छाती के अंदर से खून निकल रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और तो और उसकी मौत भी हो चुकी थी। दोस्तों, ये मायावी छलावा इतना ज़्यादा भयानक होता है कि हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इससे पहले कि दूसरी घटना हमारे साथ घट जाती कि तभी मैं देखता हूँ कि घसीटता हुआ अरुण तो मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे मुझे अपनी ही शक्ल का एक और आदमी नज़र आया, और उस अपनी ही शक्ल वाले आदमी को देखकर मैं तो पूरी तरीके से समझ गया था कि सब कुछ खराब करने वाला यही बंदा है। और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। गुस्से में मैं ये भूल गया था कि मैं आज जिस शख्स से टक्कर लेने जा रहा हूँ वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। लेकिन मेरी गलती से मैं उस भूत से टकरा गया और उसके बाद वही हुआ जो होना था, यानी कि उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया। उसने मेरी गर्दन को कुछ इस तरह से पकड़ा था कि मैं अपने आप को छुड़वाने के बिल्कुल भी लायक नहीं रहा, और उसने मुझे एकदम से हवा में उठा दिया। मैं हवा में उठने के बाद चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो मेरी जुबान भी बैठने लगी थी। मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी अपने मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। फिर पता नहीं अचानक ही क्या हुआ कि उस भयानक भूत ने एकदम से मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इस बार मैं जैसे नीचे गिरा तो मुझे इस बार महसूस हुआ कि अब मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है। मुझे थोड़ी चैन की सांस मिली और उसके बाद मैं हिम्मत करके वापस से अपनी जगह से उठने लगा। मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर तो मुझे वहाँ पर पड़े नज़र आ रहे थे। उसके बाद मैं गाड़ी की परवाह ना करके अपने ड्राइवर अरुण को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने एक बार फिर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऊपर से अब मेरी गाड़ी भी जल चुकी थी और वो जलकर पूरी खाक हो गई।
मेरे दिमाग में एक और टेंशन हो चुकी थी कि अब हम दोनों यहाँ से जिंदा कैसे निकलेंगे, क्योंकि इन काली शक्तियों ने हम दोनों को बुरी तरह से अपने घेरे में लपेट लिया था। बार बार मैं अपने ड्राइवर अरुण को उठाने की अभी कोशिश करता रहा, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मेरी नज़र वहीं पर पड़ी एक पानी की बोतल पर गई। हालांकि वो मेरी गाड़ी की पानी की बोतल थी, जो कि इस हादसे से बचकर अभी भी बगल में पड़ी थी। इसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने उस पानी की बोतल को उठाया और फिर मैंने तुरंत उस पानी की बोतल को मेरे ड्राइवर अरुण के ऊपर उड़ेल दिया। और इसी बीच अरुण एकदम से उठ गया और अरुण के उठते मैंने देखा कि अरुण के गले में एक मूर्ति थी जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो ओम नाम की मूर्ति थी और उस मूर्ति को देखकर मुझे कहीं ना कहीं इतना तो यकीन हो गया था कि अगर मेरी जान बच पाई है तो वो इस मूर्ति की देन है। अगर मैं उस भूत की चंगुल में फंसा हुआ था तो इसी मूर्ति ने मेरी सहायता की है। उसके बाद मैंने तुरंत उस मूर्ति को छुआ और उसे छूते ही मेरे शरीर के अंदर मुझे काफ़ी नॉर्मल महसूस होने लगा। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, अरे अरुण तुमने ये मूर्ति कहाँ से ली? तो उसने बताया कि वो इस मूर्ति को गाड़ी के एक बॉक्स में रखता था, उसकी माँ ने उसे काफ़ी पहले ये मूर्ति उसे दे दी थी और इस मूर्ति से वो कई बार खुद को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सुरक्षित महसूस करता है। मौके पर ही उसने इस मूर्ति को अपने गले में डाल लिया, जिस वजह से वो जिंदा बचा हुआ है। खैर, मुझे इस बात की खुशी थी कि अब हम इस मूर्ति की सहायता से ज़रूर यहाँ से निकल सकते थे। फिर मैंने अपने ड्राइवर से कहा, देखो भाई, हमारी गाड़ी तो पूरी तरह से जल चुकी है और अब हमें यहाँ से जिंदा बचकर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी, यानी कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद हम दोनों ने ऐसा ही किया। अरुण ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाल दिया और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलने लगे। लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसी दुविधा खड़ी हो गई थी जिसे देखकर हम दोनों के बढ़ते हुए कदम एकदम से थम गए। अब हम दोनों चाहकर भी आगे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि अब हमने अपने सामने की तरफ देखा कि हमें एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी जिसका पैर कटा हुआ था और उसके कटे हुए पाँव को देखकर मुझे उसके ऊपर दया आ रही थी। और इसी बीच मेरे ड्राइवर ने कहा, देखो साहब जी, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये एक डायन है और अब हमारा यहाँ से निकलना ही सही है। फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं और मेरा ड्राइवर अरुण, हम दोनों बहुत ही तेज गति के साथ वहाँ से भागते रहे। लेकिन हमें इतना तो मालूम हो चुका था कि हम पूरी रफ्तार से भागने के बाद भी इतनी जल्दी अपने घर के पास नहीं पहुँच पाएंगे। हमें किसी गाड़ी या ऑटो की ज़रूरत होगी, तभी हम जिंदा बच सकते हैं। एक बार के लिए हम दोनों ने अपने पीछे पलट कर देखा, तो इस बार मैंने देखा कि मुझे पीछे की तरफ से एक औरत अपने पीछे पीछे भागती नजर आ रही थी, जिसका एक पैर कटा हुआ था। यानी कि मेरा कार ड्राइवर अरुण सही बोल रहा था कि वो कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जिसने अब हमारा पीछा पकड़ लिया था। मैं उस समय किसी भी हालत में वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन अफसोस, वो डायन का झुंड फिर से हमारे पीछे पड़ गया था। इसी बीच मेरे ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर आगे एक छोटा सा बरगद का पेड़ है, लोग उस पेड़ के नीचे भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें जल्दी से वहाँ पहुँच जाना चाहिए, फिर ये काली शक्तियाँ हम दोनों का पीछा छोड़ देंगी। यही सोचकर मेरे ड्राइवर अरुण ने मुझे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाने का सुझाव दिया। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं उसके साथ साथ उस बरगद के पेड़ के नीचे चला गया और जैसे हम उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर हमें काफ़ी सारे फूल पड़े नज़र आ रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन बरगद के पेड़ के नीचे सच में भगवान की पूजा की जाती है और यहाँ भगवान का वास है, क्योंकि हमें वहाँ जाते ही एक अलग से सुकून का एहसास हुआ। दोस्तों, उस दिन हमारी जान तो बच गई, लेकिन ये घटना हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए किसी मूवी की तस्वीर की तरह पूरी तरह से छप गई। आज भी मैं अपनी गाड़ी को खोने के दुख का एहसास करता हूँ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस दिन मेरा ड्राइवर अरुण जिंदा बच गया। खैर, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में वो रास्ता अब बर्बादी का रास्ता बन गया है, इसलिए मैं अब कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरता हूँ। हालांकि मैं उसी ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मेरा रास्ता अब उससे अलग है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।